हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा नाउन, जो हमारे ग्रामर के हिसाब से टॉपिक है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये कि नाउन क्या होता है। डेफिनेशन देखें, नेम ऑफ पर्सन यानी कोई भी इंसान, प्लेस कोई भी जगह और कोई भी वस्तु नॉन लिविंग। काइंड्स ऑफ नाउन, देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जिसे हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में, ये पांच प्रकार की होती है। मैंने आपको विद एग्जाम्पल आपको समझाया है, एक एक बात को समझिए आप। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? पार्टिकुलरली यानी स्पेशल, सिर्फ उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं हम, तब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे अमन एक लड़का है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अमन स्कूल जा रहा था, इसका मतलब हम अमन की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल इज़ गोइंग टू जयपुर, इसका मतलब राहुल की बात कर रहे हैं। पर इसकी मतलब है, अगर वो जयपुर जा रहा है तो ओनली जयपुर ही जा रहा है, उसी शहर से मतलब है, नहीं किसी शहर का ये नाम है। इंडिया किसी देश का नाम है। थिंग का मतलब वस्तु, यहाँ थोड़ा ध्यान देना एक बार के लिए, ये टॉपिक हम आगे के लिए कर रहे हैं। कॉमन नाउन, नाम से लग रहा है कॉमन, यानी जो कॉमन हो, यानी जहाँ फिक्स नहीं किया जाता है, वहाँ है। नेम ऑफ क्लास ऑफ नाउन, यानी उस जो नाउन है उसकी क्लास यानी उसका वर्ग बता दिया जाता है। जैसे बॉय, अब बॉय कोई भी हो सकता है, बॉय यानी लड़का। जैसे यहाँ अमन व्यक्ति व्यक्ति का नाम था, अब हमने कहा लड़का, अब ये लड़का हो गया। अब इसका मतलब जरूरी नहीं कि हम अमन की बात कर रहे हैं, कोई भी लड़का हो सकता है। उसी प्रकार स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई नाम फिक्स नहीं है। यहाँ देखें टीचर, कोई भी टीचर हो सकता है। सिटी, जैसे यहाँ हमने कहा था कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब हम ओनली किसकी बात कर रहे थे? जयपुर की बात कर रहे थे। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मैं शहर जा रहा हूँ, इसका मतलब वो कोई भी शहर हो सकता है। चेयर, यहाँ चेयर का मतलब है किसी वस्तु से, किसी भी कोई भी वस्तु जो नॉन लिविंग है। यहाँ जैसे मैंने लिखा है, देखें अब ध्यान दें, कार, मार्कर, फेन, ये जितने भी हैं सब क्या लिखे मैंने? कॉमन। अगर ये कैसे बनते हैं, जैसे फेन के आगे मैं उसकी ब्रांड का नाम लिख दूँ, मैं जैसे मैंने कहा उषा फेन, तो इसका मतलब वो कहाँ चला जाता है? प्रॉपर नाउन में। मार्कर जैसे है, मैंने कहा सेलो मार्कर, तो सेलो उस कंपनी का नाम लिख दिया मैंने, तो वो कहाँ चला जाता है? प्रॉपर में। देखिए यहाँ पे लिखा है सेलो चेयर। फोर्ड कार, अगर मैं ओनली कार लिखूँ तो ये यहाँ रहेगा, कौन से में? कॉमन नाउन में। अगर मैं उस कार की कंपनी का नाम लिख दूँ फोर्ड कार, तो इसका मतलब फोर्ड कार का मतलब हो गया ये प्रॉपर नाउन आ गया। जितने भी एनिमल होते हैं, जितने भी एनिमल, देखिए मैंने अलग से यहाँ पे लिखा है, जितने भी एनिमल होते हैं वो सब क्या कहाँ होते हैं? कॉमन नाउन में, जितने भी एनिमल होते हैं। और अगर किसी भी एनिमल का कोई नाम निकाल दें हम, जैसे हमने इसका नाम निकाल दिया, जैसे केट डॉग, अगर है ये पालतू है, घर में पाल रहे थे, उनका नाम निकाल दिया हमने, केट को बोल दिया हमने, माना कि किट्टू बोल दिया, तो इसका मतलब किट्टू एक एनिमल है। लेकिन अब ये किट्टू कहाँ आ गई? प्रॉपर। जैसे हम डॉग कुत्ता घर में पाल रहे हैं, उसका नाम निकाल दिया हमने सुल्तान, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे सुल्तान लिख रहे हैं तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिख रहे, हम उस कुत्ते का नाम लिख रहे हैं, तो ये कहा जाता है प्रॉपर नाउन में। आगे बढ़े कलेक्टिव नाउन। इन्हीं से देखें, पहले अमन, जब अमन को हमने लड़का कहा तो कहाँ बन गई ये? कॉमन। अब ये लड़के एक से ज़्यादा हो जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, जहाँ लिखा हमने ग्रुप ऑफ नाउन, ये किसी भी नाउन का एक ग्रुप बन जाना, तब ये अलग अलग। देखें मैंने क्या लिखा है, जब अगर ये जो लड़के हैं एक से ज़्यादा हो गए खेलने लग जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? ये टीम। अगर ये स्टूडेंट है पढ़ने लगते हैं तो क्या बना लेते हैं? ये क्लास। और अगर यही किसी फौज में जाते हैं यानी आर्मी में जाते हैं तो आर्मी। अगर यही लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? पीपल। ये आ गया ओनली पर्सन। अगर हम एनिमल की बात करें, देखो एनिमल के नाम देखें, जितने भी नाम कहाँ आते हैं? कॉमन नाउन में। और अगर उन्हीं एनिमल का हम कोई नाम लिख दें तो कहाँ चले जाते हैं? प्रॉपर में। अगर इनका ग्रुप हो, जैसे फ्लॉक या हर्ड, जानवरों का ग्रुप, ग्रुप को कहा जाता है, झुंड को कहा जाता है, तो ये कहाँ चला जाता है? कलेक्टिव। उसी प्रकार वस्तुओं का, थिंग्स का ग्रुप देखें, बंच, गुच्छा, सेट, कलेक्शन, फ्लीट, फ्लीट कहते हैं जहाज़ों का समूह, जब समुद्र में जहाज चलते हैं एक साथ चलते हैं तो उन्हें बोलते हैं फ्लीट। ओके, फोर्थ नंबर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन रियल में किससे बना है? अगर देखें तो हम कॉमन नाउन में इसका नाम आता है, ठीक है। लेकिन देखें, नेम ऑफ एनी मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन, कॉटन, इनसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जो चीज़ बनती है वो हो जाती है कॉमन। याद रखें, जैसे सोना, सोना क्या कौन सा नाउन हुआ? मटेरियल। अगर सोने से हमने गहने बना लिए कोई, तो कहाँ हो गया वो? कॉमन में चला गया। उसी प्रकार देखें सिल्वर, वुड, देखें वुड यानी लकड़ी, अब वुड क्या है? मटेरियल नाउन। अगर वुड से हम चेयर बनाएंगे
तो कहाँ चली जाएगी, वो कॉमन नाउन में। इन बातों को देखें आप। फिफ्थ हमारा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाववाचक हमें इसे हिंदी में कहा है। रियल में भाव का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे दिमाग में जो चीज आती है, रियल में आइडिया आता है, वही भाव है। जैसे किसी चीज को देखो कि आइडिया नहीं, किसी कोई चीज दिमाग में आ जाना कि यार ऐसा मैं भी करूं। और क्वालिटी नॉट फिजिकली ऑब्जेक्ट, यानी हम इनको टच नहीं कर सकते। देखो यहाँ हमने कहा था ये गोल्ड है, ये क्लास है, लेकिन यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है कि ये चीज़ है, कह सकते हैं क्या। अब देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, यानी कोई घटना हमने देखी तो हमारे दिमाग में एक बात उपजी यार ईमानदार दिखानी चाहिए, तो वो क्या, ऑनेस्टी का मतलब क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंगर, फ्रीडम देखें आज़ादी, जैसे कोई हमने कोई मूवी देखी या कोई सीन देखा या कोई बात सुनी, तुम्हारे दिमाग में पूछा यार आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, तो रियल में इसी को हमने क्या कहा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार देखें लव, किसी चीज़ को देखकर हमारे दिमाग में आता है यार बहुत अच्छी, यार मुझे तो ये चीज़ मिलनी चाहिए, उसे हमने क्या दिया, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ऐसे कुछ नाम है एब्स्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा, तो इसका मैं टॉपिक अलग से आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आज का टॉपिक हुआ नाउन के बारे में, ये स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ बार बार देखें, और इसका पार्ट टू भी जल्दी आपके सामने आएगा जहाँ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।